विजय बहादुर, इन दोनों पर पुलिस ने FIR किया है। 3 FIR हुए हैं दरअसल, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये FIR हैं। एक तो है कि कामकाज में बाधा देने का, दूसरा है कि जो सड़क के क्रोच रोड है उसको तोड़ने का और दुर्व्यवहार करने का, ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। ये बताइए संजय कुमार जी, आप पर क्या आरोप है? मुझ पर आरोप है कि मैं कार्य में बाधा किया। पुल जब टूटा उसके बाद काम ठेकेदार लोग कर रहे थे, तो मुझ पर आरोप ठेकेदार एक उदय सिंह है, उन्होंने लगाए हैं कि ये हम पर आ करके और काम करने से रोके, जबकि उनको मैंने कहा कि भैया आप लोग काम कीजिए, ये सड़क तो टूट गया, पीच रोड तो ध्वस्त ध्वस्त हो गया, अगर आप लोग काम नहीं कीजिएगा तो ये मेरा बांध टूट जाएगा और बांध टूटेगा तो हजारों हजार घर डूब जाएंगे, लाखों लाख लोग तबाह हो जाएंगे, इसलिए आप लोग आराम न कर करके काम कीजिए। इस पर उदय सिंह ने कहा कि हम नहीं करेंगे तू भी कराओ ना, हम कहने कि आप हमको कराना होता तो आप काहे के लिए आप लोग दस्तों ठेकेदार लगे हुए हैं। इसी पे हम लोगों को तू तू मैमा हुआ और उसके बाद कल होकर के 16 तारीख को मंजीत बाबू आए और यहाँ राजनीतिक काम शुरू हो गया और उन्होंने हम पर उन लोगों से चढ़ा करके उनका चुकी जदयू के कार्यकर्ता हैं और जदयू के विधायक हैं उस पर FIR करा दिए। मेरे ऊपर आरोप है कि भीड़ इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ हमने बोला। सच्चाई है कि हमने इस 70 घाट पुल को लाने में मेरे साथ हजारों लोगों ने संघर्ष किया है, सहयोग किया है, लाखों सपने एक समाधान 70 घाट पर पुल निर्माण ऐसा नारा के साथ ये सारण चंपारण को जोड़ने वालों लाखों लाख जन आकांक्षाओं का प्रतीक यह 70 घाट पुल है जो विश्व के सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के सरिया के साथ साथ नेपाल और इधर उत्तर प्रदेश और बनारस को जोड़ने वाला यह पुल है। पुल बना, बड़ी खुशी हुई उद्घाटन क्रम में और 29वें दिन यह भस्म हो गया, समाप्त हो गया। उसके पहले 2 दिन पहले इन्होंने सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराने हेतु इन्होंने एक वीडियो बनाया था और सभी अधिकारी और सभी जो है सोशल साइटों पर इन्होंने छोड़ा और कहा कि 24 घंटा अगर सरकार सचेत नहीं हुई तो 24 घंटा में 264 दो दिन पहले से ही टूटना शुरू हो गया था जी। टूटना हल्का हल्का 2 दिन पहले 13 तारीख से शुरू हो गया था। 13-7 को मैंने 15 को प्रशासन को पहले कहा गया, फोन से नहीं सुने लोग, तो हम लोग 10 आदमी मिल करके एक वीडियो बनाए और सभी जगह वो वीडियो को वायरल किए कि अगर 1 से 2 दिन के अंदर में यहाँ पे कार्य नहीं लगेगा तो ये पुल ध्वस्त हो सकता है और वही हुआ। 14 को हम लोग वीडियो वायरल किए और 15 को 3 बजे दिन में यह जो अप्रोच रोड है वह टूट गया। ये तो कहा गया, भी कहा जा रहा था कि पुल अप्रोच को ग्रामीणों ने ध्वस्त कर दिया, इसमें क्या क्या कोई सच्चाई है? तो उसका तो सर वीडियो है, कैसे कटा है, कैसे ध्वस्त हो रहा है, उसका सब वीडियो ग्रामीणों ने खींचा है, ग्रामीण ध्वस्त किया है। पहले आया सब सरकार के लोग कहे कि नहीं पुल टूटा है, आपदा है, पानी का बार बार बढ़ गया और एक रोज इन लोगों का अपना लाज पचाने के लिए, सरकार अपना लाज पचाने के लिए ग्रामीणों पर FIR की। आप तो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है क्या गड़बड़ी है पुल में, क्यों हुआ है सर? ये सर बिल्कुल लूट मचा हुआ है, ये बालू का भीत बनकर तैयार हो चुका है, ये जब चाहे आप लात से मारकर मुक्का से मारकर अभी इसको तोड़ सकते हैं। ये केवल 264 करोड़ रुपये का लूट हो गया है और इस लूट को बचाने पर हम लोगों ने हल्ला बोल किया। सरकार को मैंने कहा कि आपको रहने का अधिकार नहीं है, जिस सुशासन की बात करते हैं, गुणवत्ता की बात करते हैं और 70 घाट स्थित गंडक नदी पुल निर्माण एक बरसात नहीं सह पाता है, एक छोटी सी बाढ़ नहीं सह पाती है और यह आपका पुल जो भस्म हो जाता है और सारण चंपारण का आवागमन समाप्त होता है, इसलिए आपको रहने का अधिकार नहीं है। तब जाकर मेरे ऊपर राजनीतिक गठजोड़ करके और मेरे ऊपर FIR दर्ज किया, मेरे आवाज़ और मेरे जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की।